देखिए, कृष्णा का कमी तो हमको भी कर रहा है, तो ये बात पे इतना दुख। दुखी ना हो तो क्या करें? गंगा जी शादी से खुश नहीं, पता नहीं हमारी कृष्णा वो कहाँ का झेल रही होगी। अब तक हमको लगता था कि एक अच्छा अफसर होने के लिए खाली फाइल्स पढ़ना लिखना और अपना काम ठीक से करने का जरूरत होता है, लेकिन आज हम महसूस किए हैं कि ये तो कुछ नहीं है। असली काम तो लोगों के बीच का दीवार तोड़ना है। माँ जी और हमारे बीच जो दीवार बना है, जिस दिन हम उसको गिरा पाएंगे उस दिन हम खुद को एक कामयाब अफसर मानेंगे। कृष्णा, ये है हमारा कमरा और वो रहे तुम्हारे बबलू सर, यानी कि तुम्हारे जेठ जी। आओ। क्या हुआ कृष्णा, ऐसे पीछे काहे हट गई? जब जेठ जी कन्या निरीक्षण कर देते हैं तो उसके बाद लड़की को उनका छाया से भी दूर रहना पड़ता है। अच्छा है, अपने संस्कार को याद रखना अच्छा बात है। अरे वाह टुनटुन भैया, आप भी ना का दाव खेले हैं, वीडियो बहु ला के सबको एक झटका में मात दे दिए। अब तो आपका सारा काम ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगा। लेकिन भैया जी, आजकल के बहु बेटी सब कहाँ बात सुनती है, वो तो अफसर है, वो तो आपका बात मानेंगी ना। अबे तुम दोनों एक नंबर के बुड़बक हो। वो वीडियो से पहले हमारी बहू है बे, एक घर का सुख दुख का जिम्मेदारी उनका भी है। पिंटू के अलमारी की चाबी है, शादी के बाद ये जिम्मेदारी पत्नी उठाए वो अच्छा है। हम नहीं चाहते कि इसको लेकर भी हमें दोष दिया जाए। माँ जी हम सुनो, हमने तुमको अपना बहू होने का आशीर्वाद नहीं दिया है। बार बार हमें माँ जी कहकर मत पुकारो। पहले बुलाया करती थी ना गंगा चाची, वैसे ही हमको बुलाओ। ले लो, हमको इसका जरूरत नहीं है, हमको तो आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे तुम भूल काहे गई, तुम ही तो बोली थी कि माँ की नाराजगी तुम दूर कर लोगी। माँ सिर्फ नाराज ही नहीं दुखी भी है, और हम उनका दुख समझते हैं। लेकिन हमको ये बताओ, इसमें तुम्हारा का दोस्त? आज हमारी जिंदगी का नया शुरुआत है, और इस शुरुआत आंसू से नहीं होना चाहिए, है ना? बेटा कृष्णा। जी पापा। सालों का आदत है, एक दिन में कैसे छूटेगा भला? इस सवेरे सवेरे जगाने का आदत कभी मत छोड़िएगा पापा। अरे आप तो सब तैयार कर ली, रात भर सो जाएगा? सोने का कोशिश तो किए थे पर नींद नहीं आया। आज कलेवा का रसम जो है, इसलिए बहुत काम बाकी था, अब जाके सारा तैयारी पूरा हो पाया। दुल्हन, ये चाय लेकर पिंटू को दे दो। लेकिन माँ, आज तक पिंटू जी को चाय हमेशा आप ही देती आई हैं, तो फिर आज कहाँ ना चाय देकर आओ। जी, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको अपना माँ का पल्ला छोटा लगने लगता है।